ये हो जाने दो पूरा। हाँ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए आपके माध्यम से मैं हरियाणा की, ये बंद करो इसको, अरे ढोल को बंद कराओ ना, अरे आप जाके ढोल को बंद कराओ, ढोल को बंद कराओ, बंद कराओ, बंद करा देना इसको, बंद कराओ ये ढोल बंद, अरे चलते गोल बंद करा, गोल करा। पीछे कोई नहीं बोलेगा भाई, अरे पीछे मत जाओ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैंने इसलिए कहा था कि वहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह मैंने देखा, वहां के जो जनता में एक उफान था, क्योंकि वो हरियाणा को आगे ले जाना चाहते थे, वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना चाहते हैं, वो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपने देख लिया कांग्रेस जिस तरह से लूट और झूठ का सहारा लेती है, कई तरह की अफवाहें फैलाती है, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को और उनके सहयोगियों को जवाब देने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, जहां हमारे चुनाव आने वाले हैं वहां भी मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भी विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में केंद्र में भी हम चौथी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने जिस विश्वास के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उस जनता को मैं कोट-कोट धन्यवाद देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को हरियाणा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी भाई साहब को, कि उन्होंने भी सभी जगह, जिस तरह से राजस्थान से भी हमारे कार्यकर्ता गए, सभी जगह उन्होंने जाकर के मेहनत की। वहाँ के प्रभारी भी हमारे थे माननीय सतीश जी पूनिया, उन्होंने भी काम किया, हमारे वरिष्ठ नेता भी गए, उन्होंने किया। मैं कह सकता हूँ कि जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बन रही है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। आइए सभी हम मिल करके गरम जलेबी बन रही है, उसका आनंद लीजिए और खाइए। जहाँ जहाँ बीजेपी के बड़े नेता गए हैं वहाँ पे जीत मिली है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को यह विश्वास है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व और एक जो बात कहने वाला नेतृत्व, जो कहता है वो करके दिखाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनको विश्वास है, वहां के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बहुमत हरियाणा में मिला है। मैं जिन सीटों पर गया उन पे हम सभी पर जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जिन सीटों पे अधिकतर गए हैं वो हमारे कार्यकर्ता भी वहां जीते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहां भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, राजस्थान भी जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं वो तो बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। देखिए, आप उनके बारे में क्या बात कर रहे हो जो आलू से सोना बनाते हैं, फैक्ट्री से जलेबी बनाते हैं। और आपने देखा है हमारे तो पार्क में कार्यकर्ताओं ने जलेबी बना रहे, यहाँ कौन सी फैक्ट्री है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस बारे में भी जानकारी नहीं हो कि क्या बनता है, कैसे बनता है, ये जनरल नॉलेज की बात है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा।